नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे आईटी सेकेंड ईयर एम्प्लॉयटी स्किल के पेपर का एनालिस करेंगे। दोस्तों आज मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपकी जो ये पीडीएफ फाइल है इसमें यही क्वेश्चन है कि आज तक एम्प्लॉयटी स्किल में सेकेंड ईयर पूछे गए वो सारे क्वेश्चन है, तो आप इनका एनालिस जरूर करना और वीडियो में रखते जरूर बने रहना। साथ ही दोस्तों अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर हम ये आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल करा दूँगा। इसके साथ चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो सारा मेटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जहाँ पर हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं, जहाँ पर बच्चे काफ़ी रोज़ एग्जाम देके आते हैं, फिर आपस में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैं आपको ये कर दूंगा। साथ दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर करना, तब बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपको अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों किस प्रकार क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको 10-5 क्वेश्चन बताऊँगा, बाकी पीडीएफ फाइल शेयर कर दूँगा, आप खुद इसका अच्छे से एनालिसिस करना। तो दोस्तों देखो NSIC ये फुल फॉर्म कल आपको पूछी गई थी, तो इसका आपका राइट आंसर होगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, तो ये आएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप को यह भी कहा जाता है, तो बताओ दोस्तों क्या कहा जाएगा उसको, रोजगार कहा जाएगा। ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है या 2017 में, आगे देखता हूँ अगर इसमें और मिलते तो सही है, नहीं मैं आगे चलता हूँ। देखो दोस्तों फिर यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो आपका परसों पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में निम्न में से किसकी स्थापना की गई, तो दोस्तों वो आपके IDBI की स्थापना की गई, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है यह वह है जो भविष्य में किसी भी समय संस्था के प्रदर्शन को खराब कर सकती है, तो बताओ दोस्तों क्या कर सकती है, तो उसकी आशंका उसको खराब कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये, और क्वेश्चन क्या है, भागीदारी में सदस्य होते हैं, तो बताओ दोस्तों भागीदारी में सदस्य कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना, जिससे हम इससे भी अच्छी और भी आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है एक व्यापारी के शुरुआत से जुड़े व्यक्ति को कहते हैं, तो ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसके कहते हैं दोस्तों उद्यमी। मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो MSME क्या पूर्ण रूप क्या है, दोस्तों ये आपका जो लगभग 5-6 चैप्टर हैं उनके अलग अलग क्वेश्चन है, तो मैं भी आपको देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर की अलग से इसी में बनाया हुआ है। एक मिनट को मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों देखो ये संप्रेषण वाला लेसन है, तो संप्रेषण वाला लेसन से ये क्वेश्चन आ गई, फिर आगे मैं चलता तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये कंप्यूटर क्वेश्चन आ गई। देखो दोस्तों मदरबोर्ड का घटक क्या है, तो दोस्तों ये देख लो, फिर आपका पूछा है ये ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है वही देखते हैं। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन है ये लो, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है, कंप्यूटर वाला निकालते हैं एक बार में। दोस्तों देखो ये आपके कारखाना देने वाले क्वेश्चन आ गई, अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं चाहिए। देखो दोस्तों ये आ गए आपके कंप्यूटर क्वेश्चन, इसमें देखो कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर आएगा बी यानी चार्ल्स बेबेज को। फिर है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है, तो दोस्तों ये 2015 में क्वेश्चन पूछा है CPU, ठीक है। फिर देखो दोस्तों नीचे वाला देखते हैं RAM यानी रैम का विस्तार है, तो इसका राइट आंसर आएगा बी। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा यहाँ से, आप ज़रूर इसका एनालिस करना, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दोस्तों वर्ड पेड फाइल का एक्सटेंशन है, तो दोस्तों इसका आएगा आपका RTF। अगला किसी ओरिएंटेंस में टेक्स लंबाई में प्रिंट किया जाता है, दोस्तों वो आएगा आपका लेड स्केप। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर निम्न में से क्या होता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं दोस्तों। फिर ये 2015 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है डिलीट की गई फाइल इसमें जाती है, तो दोस्तों ये आपकी रिसाइकिल बिन में जाती है। फिर ये अगला है कौन से डिवाइस का प्रयोग टेलीफोन लाइन को PC से जोड़ने के लिए किया जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो ये मैं अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप अगर इसका एक दो बार एनालिसिस करके जाओगे तो आपको एग्जाम में इसका 100% प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।